मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगी गण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं, और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम् प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार ऐने होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है।
ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपके सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। जिसे कोई अद्वैत कहता है, आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान के उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का यह समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कर्ण कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यह संबोधन, संवाद, सम्मान, सब कुछ
राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेताई दिसई धरनी गगन बीच तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मेरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा।